Jera Lofty. Assalamualaikum, welcome back to the YouTube channel. तो guys, आज का व्लॉग करते हैं सीधे कॉलेज से स्टार्ट। घर में मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो उठने में जो है लेट हो गया। तो मैंने सोचा आज का व्लॉग जो है वो कॉलेज में स्टार्ट करते हैं। कॉलेज में क्यों आया, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है आज, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। तो तबीयत जो है वो ठीक नहीं लग रही है, तो अभी मैं फ़ाइनली पहुँच गया हूँ कॉलेज। अब मैं सुजात का वेट कर रहा हूँ, तब तक मैं कॉलेज जाऊँगा अंदर। जब सुजात आएगा फिर उससे भी मिलेंगे। तो गाइस, अब बने रहिए व्लॉग के साथ। जी वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है हमारा जो एग्ज़ाम है तो मुझे अलाउ नहीं किया गया क्योंकि लेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब हमने सर से बात की, उसने कहा कि ईद के बाद जो है आपका एग्ज़ाम फिर से लेंगे। तो अभी मेरे साथ जुड़ चुका है सुजात और है यहाँ पे वसीम। तो अभी हम वहाँ से निकले हैं, तो अभी हम यहाँ ग्राउंड में थोड़ी सी धूप सेक रहे हैं। और रही बात मेरी तबीयत की, तो तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मतलब सर में भी दर्द हो रहा है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम फिर से निकलते, तो बने रहिए। ये देखिए वसीम का बेंच जो है वो पलट गया, उसके साथ अभी फहीम। सुजात देखते ही देखते ही इनको रह गया, अभी इनको उठाता भी नहीं है। ओ तेरी। ये रहा मेरा फ्रेंड, जो कि आपने देखा होगा इसको मेरी स्टोरी पे इंस्टा वगैरह। तो बॉलिंग बड़ी अच्छी कर लेता है, ये देख सकते हो। हिमांशन गणित आउट ही कसम पति में ओढ़ घंटे यार। अभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो ऊपर आसमान में, ये क्या मसला है भाई। ओ भाई ये क्या है, ये मुनीब नेक्स्ट शॉट खेलते हुए। मार मार मार, ये रहा लॉफ्टी, व्हाट अ कैच, आउट हो गया भाई। लो जी, हम निकल चुके हैं कॉलेज से, अब हमें जाना है यहाँ से सीधे घर। ऊपर से मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, अब मैं जाऊँगा सीधे घर और यहाँ से जाके मैं नींद करूँगा अच्छी सी, तो उसके बाद देखेंगे क्या मसला रहता है। तो अब बने रहे ब्लॉग के साथ। Later. Finally, अभी मैं पहुंच गया हूं घर। तो अभी मैंने नमाज अदा की है, नमाज मैंने दिन में नहीं पढ़ी, टाइम नहीं मिला, तो अभी मैंने नमाज कंप्लीट कर ली। अब मैं रेस्ट करूंगा थोड़ा सा, मुझे फीवर भी लग रहा है, तो अभी मैं सोऊंगा थोड़ी देर, फिर देखते हैं। तो मिलते हैं आपको बाद में। 2 hours later. Guys, welcome back. तो दिन में भी मुझे थोड़ा सा मतलब कि फीवर जैसा लग रहा था, उतना नहीं था, बट मैंने कहा कि बियरेबल है। फीवर जो है 102 पहुँच गया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहेगा। तो आप बने रहिए व्लॉग के साथ। मुझे सुजात के घर रात को जाना था, मैंने इसको कॉल की मैं नहीं आ पाऊँगा, तो ये रूट गया था। मैंने इसको कॉल की भाई मैं बीमार पड़ गया, तो अभी ये जल्दी से आ गया। अब ये स्कूटी लेके आया किसी फ्रेंड की, तो अभी ये पहुँच गया यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं सीधे हॉस्पिटल। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ हॉस्पिटल, यहाँ पर हम गाड़ी पार्क करेंगे। लाइट कर बंद। तो भाई सब हालत जो है वो बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है पूरी बॉडी में। हो गए दिन भर, तो ठीक था। अभी डॉक्टर ने बोला कि ड्रिप लगानी है।
कल सोया नहीं मैंने, रात भर जागा हुआ था, फिर मैंने सुबह सहरी खाई और सहरी मतलब ख़त्म करती ही मैं निकल गया नमाज के लिए, तो ये रीज़न हो सकता है, काफ़ी कुछ नहीं। तो फिलहाल गाइस ड्रिप लगा ली है, अभी डॉक्टर ने बोला कि आधे घंटे तक ये अपना असर दिखा देगा और तबीयत सही हो जाएगी। अब देखते हैं मेडिसिन भी लाएंगे नई वाली, क्योंकि जो लाई थी डॉक्टर ने बोला ये चेंज करनी है, ये वाली मत खाना। जो उसने दवाई थी उसको क्या करोगे, वापस दे देना उसको, खाली सिरप की बोतल चेंज करनी बस, ये वाली बाकी ठीक है। दुआ करना कि ये ठीक हो जाए। आपके सपोर्ट की वजह से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिल रही है और हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं जब लोग हमें बोलते हैं कि फैज़ व्लॉग जा रहा है। और कल भी हमने देखा कि आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में दो तीन बंदे आए थे, बहुत मज़ा आया हमको। और ये तो फैसल तो इमोशनल हो गया था बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैसल, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और सपोर्ट ऐसे दिखाते रहो। बहुत सारों के ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं ना कि मतलब दिल खुश हो जाता है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। आज का व्लॉग करते हैं, ख़त्म, मिलते हैं आपको और एक नए मस्त व्लॉग में, तब तक के लिए।